नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नम्रता चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने रूखे सूखे बेजान बालों से? क्या आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं? आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं या फिर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूसी हो गई है या फिर आपके बाल दो मुँहें हो गए हैं? तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊँगी कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो सच बोलती हूँ आपके बालों में नई जान आ जाएगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने वाले वगैरह जो बेल का आइकन है प्लीज़ उसे जरूर प्रेस करना, साथ ही साथ आल पर प्रेस करना। इससे होगा ये जो मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली सामग्री मैंने ले लिया है, ये है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। आप किसी भी अच्छी कंपनी का नारियल का तेल ले लीजिए। तो यहाँ पे करीबन मैं एक चम्मच नारियल का तेल ले लूँगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नारियल तेल थोड़ा सा जमा हुआ है, तो आप क्या करें इसको थोड़ा पिघला लें। तो अब इसमें ये जो नारियल तेल है ये आपके बालों को घना करेगा, साथ ही साथ आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा और आपके बालों को लंबा बनाएगा और आपके बालों को विटामिन देगा, जिससे कि आपके बाल जो दो मुँहें हैं वो सही हो जाएंगे और आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद हम दूसरी सामग्री इसमें डालेंगे, वो है दोस्तों पुदीन हरा की टैबलेट। दोस्तों आप घबराएं नहीं, यहाँ पे मुझे टैबलेट यूज नहीं करना है, बस हमें इसका ऑयल चाहिए। तो अगर आपके पास है पुदीन हरा का तेल है तो आप तेल ले लीजिए, या फिर आप इस तरीके से ये 1 रुपये की गोलियाँ आ जाती हैं, 10 रुपये का पत्ता मिलता है, तो आप इसमें से 2 गोलियों का ये ऑयल इस नारियल के तेल में डाल दीजिए। अब दोस्तों, जैसे कि ये मैंने, आप देख सकते हैं ये पुदीने का तेल मैंने लिया है, इस पुदीने के तेल में होता है मेथॉल। मेथॉल के कारण ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये तेल आपके बालों को स्वस्थ रखेगा, आपके बालों के झड़ने से रोकेगा, आपका गंजापन को ख़त्म करे, यानी बहुत सी महिलाओं को गंजेपन की प्रॉब्लम होती ना, तो उस जगह पर नए बाल उगाएगा, गंजेपन की समस्या ही ख़त्म करेगा और आपके बालों में नई जान डाल देगा ये पुदीन हरे की टैबलेट यानी कि तेल। अब इन दोनों तेलों को अच्छे से करेंगे हम मिक्स। दोस्तों, ये जो पुदीने का तेल है ये आपकी सिर की त्वचा में, यानी जो स्कैल्प होता है त्वचा में, गहराई से जा कर के बालों को उगाने में मदद करता है, आपके रोम छिद्रों में अच्छे से समाता है और अपना काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से तेल को तैयार करिएगा और आप अपने बालों में, इस तरीके से बालों की जड़ों में इस तेल को अच्छे से लगाइएगा। पहले आप एक एक बाल को, यानी एक एक हिस्सा बाल का करते जाइए और बालों की जड़ों में इसको लगाते जाइए, और उसके बाद में आप क्या करें लगातार घड़ी देख लें। घड़ी देखने के बाद में आप 10 मिनट तक आप इसकी लगातार मसाज करें, यानी बालों की जड़ों में मसाज करें, जिससे होगा ये कि आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम होगी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पुदीने का तेल मिलाया इसमें, तो ये जो तेल है ये अगर आपके स्कैल्प पर रूसी की पपड़ी जम गई होगी ना, उस पपड़ी को भी ये निकालेगा और फिर रोम छिद्रों को साफ करेगा यानी कि क्लीन करेगा। और ये तेल दोस्तों जब आप लगाएंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, आप देखना। और अगर आपके जुएं हो गए हैं बालों में तो इस तेल को लगाइएगा, आपके जुएं भी खत्म हो जाएंगे, जुएं लीक कोई भी प्रॉब्लम हो सब खत्म हो जाएंगे, यानी कि जुएं लीक सारे मर जाएंगे और निकल जाएंगे। तो दोस्तों, अब इसके साथ में आप थोड़ा सा बस खाने का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि आप 1 गिलास दूध ले लिया करिए, इससे भी तो आपके बाल काले होते हैं। दूध आप जब पियेंगे 1 गिलास तो अंदर से काम करेगा, यानी आपके शरीर में प्रोटीन कैल्शियम सारी चीज़ें पूरी होंगी, जिससे कि आपके बालों का ग्रोथ अच्छा होगा और आपके बाल काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। और आप इस तेल को एक साथ में बना करके इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये तेल आपका लगातार 2 महीने तक रखे रहेंगे तब भी ख़राब नहीं होगा, आप एक साथ इसको बना लीजिए और रख लीजिए। बस आप इतना नुस्खा करिएगा, सच बोलती हूँ आपके बालों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं सच बोल रही हूँ, आप इसको जरूर ट्राई करना, 101% काम करेगा ये मेरा नुस्खा। जब आप मसाज करेंगे अपने बालों में, इससे होगा ये कि आपका जो ब्लड का संचार है वो तेज होगा, आपकी नस नाड़ियाँ अच्छी होंगी, और साथ ही साथ जब नस नाड़ियाँ अच्छी होंगी, ब्लड का संचार अच्छा होगा दोस्तों, तो आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, और जब हार्मोन्स अच्छे होंगे तो ये तेल भी काम करेगा, अंदर से आपकी बॉडी भी काम करेगी। तो सच बोल रही हूँ, आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं सफ़ेद भी नहीं होंगे, बालों की हर एक समस्या समाप्त हो जाएगी, हर एक समस्या,
बालों को जब प्रोटीन मिलता है, बालों को कैल्शियम मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, तो दोस्तों सभी चीज़ें ऑटोमेटिक सही रहती हैं। तो आप इस तरीके से इस तेल को लगाइएगा, आप चाहे तो रात में लगा लें सोने से पहले, या फिर आप इसको क्या करें जब जिस दिन आप बाल धुले उस दिन पहले लगा लें, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप रात में सोने से पहले लगाइएगा और रात भर इस तेल को लगा रहने दीजिए। 10 मिनट मसाज करके आप तेल को रात भर बालों में लगा रहने दीजिए और बस सुबह आप अपने किसी हर्बल शैम्पू से आप अपने बालों को साफ कर लीजिए। आप दोस्तों अगर इस तरीके से हफ्ते में 3 बार भी करते रहे ना, तो आपके बाल सुंदर, घने, मुलायम, मजबूत, सिल्की, शाइनी किसी एक्टर से कम नहीं लगेंगे, ये मेरा दावा है। और आपके बाल काफ़ी लंबे होंगे और साथ ही साथ आपके बाल काले होंगे। जो बाल आपके झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके बालों की जड़ मजबूत हो जाएगी, नए बाल उगने लगेंगे, यानी कहने का मतलब है बालों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी इस नुस्खे से। तो दोस्तों आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आराम मिला या नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूं आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसी टाइप की वीडियो अपलोड कर दिया करूंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दोस्तों, शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब कर, मैं नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।